बच्चे ध्यान देंगे, बर्ड फाइव के भाई हिंदी के किताब में आपका है भाग दो लेसन दो में है दादी माँ का पत्र। ये जो है आपके ये नेशनल बुक ट्रस्ट के नेहरू बाल पुस्तकालय की भूतपूर्व संपादिका श्रीमती मोहिनी राव ने अपनी पोती प्रेमा को लिखा है। श्रीमती राव बाल साहित्य की गुरु मानी जाती है। ये रेडियो का बाल कार्यक्रम भी प्रसारित करती रही है। पाठ की पृष्ठभूमि के निर्माण के लिए विद्यार्थियों को बताना जरूरी है कि पत्र में लेखिका ने जिस प्रेरक घटना का उल्लेख किया है वह आज़ादी के पहले की के भारत में घटी है। उसमें स्त्रियों के प्रति समाज में रूढ़िवादी विचार व्याप्त थी जिन्हें स्वाधीनता आंदोलन चुनौती दे रहा था। स्त्रियां धीरे धीरे परिवार की सीमा से बाहर निकलकर उसको पुरुषों के साथ मिलकर काम करने लगी। तो ये जो है जो मोहिनी राव है जो ये अपने पोती को पत्र लिख रही है और ये बता रही है समझा रही है कि ये हम लोग को जो आज़ादी के पहले जो हमारे यहाँ जो जो स्त्रियों की जो ये थी स्त्रियों की जो चुनौती थी उसमें बाहर निकलकर समाज में काम करना एक बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती थी। तो कितनी कठिनाइयों से हम लोग को जूझते हुए घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ा। बहुत कोई लोग मजाक भी उड़ाया हंसी भी उड़ाया लेकिन उसके बाद भी औरत ने मर्दों से कदम मिलाकर वह चलती रही। और समाज में आज नारी की भी काफ़ी ऊंच स्थिति है। आज वो पुरुष से कम नहीं है। इसी के लिए नारी का सम्मान आज होना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से एक जो श्रीमती मोहिनी राव ने है यही औरतों को प्रेरणा दी है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। तुम अगर चाहोगी तो कुछ भी कर सकती हो। आज भी कितने नारी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकी है जो दुनिया में लोग उसके भी लोहा मानते हैं। धन्यवाद। बंद कर दीजिए सर। हो गया। हाँ ये आपको इस चैप्टर का ये शब्दार्थ दिया गया है इसको आप लोग याद कर लेंगे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन तक कर भी दे रहा है उसके बाद इसको लिखा है।